رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرب الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لأبي عبد الله الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. صدق مولانا أبو محمد الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. صلوات على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खुदावंद मुताल से आप सब की हाजात की बराबरी के लिए दुआगो हूँ। खुदावंद मुताल इंशाल्लाह आप सब की दुनियावी और अखरवी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल करें, खुसूस आप सब के मरहूमीन को इंशाल्लाह अलालियीन में मोहम्मद और आले मोहम्मद के जवार में जगह नसीब करें। खुदावंद मुताल से दुआ है कि इस महफिल को, इस मजलिस को इमाम ज़माना की पसंदीदा मजलिसों में से करार दे। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जल्दी से एक मसले की वजाहत कर दी जाए। कल इत्तफाक से जो है वो मसले की वजाहत नहीं हो सकी थी, और सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह सुरात के साथ उसके जवाब दिए जाएं। सवाल एक फ़िक्ही अंदाज का था तो फ़िक्ही जवाब दिया जाएगा। सवाल ये था कि क्या चलती हुई बस में या चलती हुई कोई गाड़ी में या कोई भी चलती हुई सवारी हो, क्या उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती। तो देखें, नमाज दो किस्म की होती है। एक नमाज होती है मुस्तहब नमाज, एक नमाज होती है वाजिब नमाज। वाजिब नमाज में आपकी नमाज यौमिया हैं, नमाज आयात हैं और भी जो मुख्तलिफ नमाज हैं। चुनांचे जो मुस्तहब नमाज़ें हैं, जैसे आप मगरब के बाद उसकी पढ़ते हैं चार रकात, या मिसाल के तौर पर आप लोग जो है वो नमाज शब पढ़ते हैं 11 रकात, तो उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि उसको चलते फिरते पढ़ा जा सकता है। लेकिन बस उसमें करना क्या होगा, जब रुकू का मरहला हो तो थोड़ा सा अपने सर को झुकाना है, और सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा आपको सजदे के लिए सर को झुकाना होगा। लेकिन शर्त यह है कि चलती हुई कोई गाड़ी हो या चलते हुए आप हों। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी जो है वो लाइट पर रुकी है, सिग्नल पर रुकी है, तो उस सूरत में आपको रोकना पड़ेगी अपनी नमाज। फिर जब शुरू हो जाए तो फिर आप दोबारा जो है वो नमाज को शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ मुस्तहब नमाजों के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ मुस्तहब नमाजों के लिए, वाजिब नमाजों के लिए नहीं। मुस्तहब नमाजें आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, इख्तियारन पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास इख्तियार है कि मैं यहाँ पढ़ूँ, और मेरे पास इख्तियार है कि मैं थोड़ा सा जल्दी निकल के, रास्ते में मेरी एक घंटे की ड्राइव होगी, मैं कोई मुस्तहब नमाजें उसमें पढ़ लूँ। तो दोनों तरीके से दोनों चीज़ें जायज़ हैं। बिल इख्तियार इसको आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। जहाँ तक वाजिब नमाज की बात है, वाजिब नमाज में क़याम ज़रूरी है। क़याम रुकन है, दो जगहों पे रुकन है। रुकन का मतलब वो होता है कि अगर इसको अमदन छोड़ा जाए या सहमन छोड़ा जाए, दोनों सूरतों में नमाज बातिल हो जाती है। चुनाचे आयतुल्लाह सिस्तानी का मसला क्या है कि रुकन में जो क़याम होता है, जब आप तकबीर कहते हैं पहली, तो वो क़याम जो है रुकन है। और इसी तरीके से क़याम मुत्तसिल का रुकू, रुकू में जाते हुए भी क़याम का होना ज़रूरी है। तो इस सूरत में आपको, क्योंकि क़याम ज़रूरी है और क़याम के लिए ठहराव ज़रूरी है, तो ज़रूरी यह है कि ठहरी हुई जगह पे नमाज पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो है वो वाजिब नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। एक इस्तिस्ना सिर्फ उस वक्त है कि जब आप किसी ऐसे सफ़र में हों कि आपको मालूम हो कि आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो उस सूरत में, जैसे
काफ़ी दफ़ा होता है जब इंसान ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो फजर के वक्त अमूमन ऐसा होता है कि बमुश्किल इंसान के पास आधा घंटा भी नहीं होता, क्योंकि आप बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत जा रहे होते हैं। तो उस सूरत में आपको जो है वो सुरात के साथ नमाज पढ़नी होगी और आप जो है वो प्लेन में ही पढ़नी होगी, या मिसाल के तौर पर कोई और सफ़र कर रहे हैं तो वो एक मजबूरी है, मजबूरी में खुदावंद मुताला ने कुछ चीज़ों की आसानी दी है, लेकिन उसमें भी क़याम ज़रूरी है। जितना हो सके क़याम कीजिए, जितना हो सके आप क़िबला का जो है वो अहतमाम कीजिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर उसके अपने दीगर अहकाम हैं। मजलिस का चूँकि मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है तो एक इजमालन जवाब दे दिया गया है। अगर इंशाल्लाह कुछ मज़ीद तफसील पूछनी हो तो शब आशूर जैसे यहाँ पर सेशन है, या इसके अलावा आप पर्सन भी रब्ता कर सकते हैं या पर्सन आके सवाल कर सकते हैं तो मैं इसकी मज़ीद तौसी कर दूँगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज का मौजू बहुत अहम मौजूआत में से है और हमारा जो असल मौजू चल रहा है वो शहादत या मसाइब बेउनवाने फ़ज़ाइल या बेउनवाने तारीख या बेउनवाने हिदायत व असबाक। चुनांचे इन तमाम चीज़ों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। कल हमारी गुफ्तगु शहीद रदे हज़रत अली असगर के हवाले से थी और आज की गुफ्तगु हज़रत कासिम के हवाले से है, लेकिन थोड़ा सा हमने गुफ्तगु के महवर को तब्दील कर दिया है। गुफ्तगु सरकार हज़रत कासिम के हवाले से ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले जो उनके भाई और उनकी बहनें जो करबला में शरीक कार थी, शरीक सफ़र थी, शरीक सवाब थी, उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन ये मालूमात हमारे मोमिन को बहुत कम होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किसी दो बच्चों के नाम बताइए जो करबला में शरीक कार थे और करबला में शहीद हुए या ज़ख्मी हुए या कोई भी किसी भी कैपेसिटी में वो करबला में शरीक कार थे, तो हमारे यहाँ अमूमन जवाब मौजूद नहीं होता है, सिवाय हजरत कासिम के दूसरा हमारे जहन में कोई शख्सियत नहीं होती कि वो दूसरी शख्सियत कौन है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ वो सारी शख्सियात बहुत अहम हैं, बहुत अहम शख्सियात हैं। अभी इंशाल्लाह मैं जब मारूजात अपने अर्ज़ करूँगा तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की सकाहत और फ़िक्र का अंदाज़ा होगा कितनी ज़रूरी है कि हमारे जहन में ये तमाम चीज़ें रहें। चुनांचे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, दोनों में एक अमीक रिश्ता है और उसी अमीक और उसी मोहब्बत भरे रिश्ते की वजह से आज हम इस अज़रखाने में औलाद इमाम हसन का ख़ास तस्करा करेंगे जो करबला में शरीक थी। ऐने मुमकिन है कि पूरी तफसीलात को बयान ना किया जा सके, ऐने मुमकिन है कि तमाम जहद से गुफ्तगू को ना किया जा सके, ऐने मुमकिन है कि जिन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो ना हो सके, लेकिन आप हमें माजूर समझिएगा क्योंकि वक्त कम है और गुजारिशात ज़्यादा हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन का बहुत अमीक रिश्ता है। आप देखें कि बचपन ही से, और ये फ़ज़ाइल के अनवान में आप बहुत दफ़ा सुनते हैं कि जब रसूल अल्लाह रिवायात नकल किया करते थे किसी भी शहजादे के हक़ में तो अमूमन दोनों शहजादों को साथ लाया करते थे। कुछ इस्तिस्नात को अगर आप छोड़ दीजिए तो अमूमन दोनों शहजादे साथ हैं। अलहसन वलहुसैन सैयदा शबाब याहलुल मारूफ हदीस, हत्ता सईद शोका ने भी इससे करबला आशूरे के दिन इससे इस्तदलाल किया है। आशूरे के दिन सईद शोका ने इस्तदलाल किया है कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। वाज़ेह है आप लोग के लिए, मैं वाकईतन इसकी दलालत पे क्या दलालत है क्या नहीं इस पर नहीं जा सकूँगा। कम से कम एक बात तय है कि जवानों के अगर कोई सरदार हैं तो हसन और हुसैन हैं, और रिवायत आगे बढ़ती है वह अबू हुमा खैरो मिन हुमा, और इनके वालिद गिरामी इन दोनों से बेहतर हैं। ये बता दिया कि देखो जन्नत में जवानों के सरदार तो ये हैं लेकिन इनके वालिद बहरहाल इनसे औलवियत और अफजलियत रखते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जन्नत में आप लोग ने 10,000 दफ़ा ये बात सुनी होगी, जन्नत में जाएंगे ही जवान होकर, ठीक है। अब अगर ये रिवायत आपको सुनने को मिल जाए फुलानुन व फुलानुन सैयदा कुहूल अहले जन्नत, कि फुलान और फुलान जो है वो जन्नत में बूढ़ों के सरदार हैं, है ना, अला मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि अमीरुल मोमिनीन दरवाज़ा है उस शहर के। तो अब किसी ने छत भी लगा दी, कोई शहर मैंने ऐसे नहीं देखा जिस पर कोई छत हो, छत भी आ गई, कुंडी भी आ गई, दीवारें भी आ गई। यहाँ जब आप चले जाएं किसी अंग्रेज़ को सुनाएं कि हमारे यहाँ एक ऐसा शहर भी है जिसकी छत है, जिसकी दीवारें हैं, जिसकी कुंडियाँ हैं, बोलेगा भाई कौन से ज़माने में रहते हो, वजह है आप लोग के लिए। तो बढ़ा दिया फलाने ये हैं फलाने ये हैं फलाने ये हैं। चुनांचे इन रवायात की अल्फाज की रकाकत को सुनते ही आपको महसूस होता होगा कि झूठे हैं, वाकईतन इतने रकीक अल्फाज हैं, यानी रकाकत बहुत वाजे हो जाती है।
जब कहा जाए कि भाई फलाने शख्स जब जा रहे होते थे तो शैतान अपना रास्ता छोड़ देता, या फलाने कर रहे होते थे तो उन्होंने रसूल अल्लाह ने एक दूध का प्याला पिया, कुछ रह गया था तो एक शख्स था उन्होंने भी उस दूध का प्याला पी लिया, तो इससे मुराद इल्म ली गई। मुख्तलिफ किस्म के जो फ़ज़ाइल हैं, एक किताब है अगर आप लोग की खिदमत में हो सके ज़रूर इसको पढ़िएगा, अल्लामा हामिद लखनवी की है, वही हामिद लखनवी साहब जिनकी किताब है इबकातुल अनवार इस्तिक्सा'उल अफ़हाम, मशहूर मौरकतुल आरा किताबें हैं उनकी, एक किताब है शवारिखुन नुसूस, शवारिखुन नुसूस किताब है अरबी में, मैंने देखी है, गालिबन उर्दू में मुझे नहीं मालूम है या नहीं है। उस पर उन्होंने बहुत अच्छा पोस्टमार्टम किया है इन तमाम रवायात का, तो अब वो किसी और दिन का मौजू रहा। और अगर आपको एक मुनाजरा देखना हो तो इमाम जव्वाद का मुनाजरा है किसके साथ, यहिया बिन अकसम के साथ, कि यहिया बिन अकसम एक एक फजीलत नकल करता रहता है, झूठी फजीलतें, और इमाम उसका बड़े शाइस्तगी और इल्मी तौर पर जवाब देते रहते हैं। वाज़ह है आप लोग की तवज्जो है। चुनाचे अब हम इस तफसील में नहीं जाते, एक बहुत अमीक रिश्ता है दोनों शख्सियात का, उन्हीं रिश्तों में से कुछ ऐसी बातों को मैं करना चाहूंगा जो बिल्कुल शहादत इमाम हसन से माकबल की थी, बिल्कुल मुख्तसर। रिवायत ये है और ये रवायत नकल करने वाली ज़ात शेख सुद्दूक है और ये बहुत मशहूर और मारूफ रिवायत है, बल्कि आज आप ये करबला जाएं तो हर जगह बैनर पे लिखा हुआ देखेंगे, ला यौमा यौम क्या या अब्दुल्ला, क्या अब अब्दुल्ला जिस तरीके से आपके ऊपर मुसीबतें टूटेंगी वैसी मुसीबतें किसी पर नहीं टूटेंगी, ला यौम कोई भी दिन ऐसा नहीं। अच्छा, ये इस रिवायत को कब कहा गया, सईद शौदा आते हैं, सईद शौदा इमाम हसन से मिलने आ रहे हैं। अब आप एहतराम देखें, वक्त की हुज्जत है, उनका एहतराम इस हद तक है कि आ रहे हैं और ज़ारों कतार सईद शौदा रो रहे हैं, ज़ारों कतार सईद शौदा रोते हैं। जब आ जाते हैं तो उसके बाद सईद शौदा इमाम हसन पूछते हैं, मा युबकी या अबा अब्दुल्ला, क्या वजह है कि ए अबा अब्दुल्ला आप गिरिया कर रहे हैं। वाज़ह है आप लोग के लिए, तवज्जो इधर रखिएगा कि क्यों आप लोग गिरिया कर रहे हैं, ए सईद शौदा आप क्यों गिरिया कर रहे हैं। तो उस वक्त इमाम हसन को जवाब देते हैं सईद शौदा कि ए मेरे भाई, मैं आपको इस हालत में देख रहा हूँ, आपने मसाइब सुने हैं, यानी वो ऐसा जहरीला चीज़ दी गई थी, ऐसी जहरीली चीज़ थी और ऐसा जहर दिया गया था कि इमाम हसन के जिगर के टुकड़े जो है वो तशने आ रहे थे, मुसीबत है इमाम हसन की। जब इस हालत को देखते हैं सईद शौदा गिरिया करने लगते हैं, कहते हैं कि अरे भाई आपके साथ ये किसने किया है, ये कैसे हुआ है आपके साथ, मैं आपकी हालत नहीं देख पा रहा हूँ। कहते हैं कि अरे मेरे भाई, मुझे तो सिर्फ जहर दिया गया है और इस जहर के असर से मैं शहीद हो जाऊँगा, लेकिन एक बात है, अब गुफ्तगु वो वाली गुफ्तगु है जो आप लोग से मुतसे है, ला यौमा के यौम क्या या अबा अब्दुल्ला, लेकिन ए भैया हुसैन, मुझ पर कितनी ही मजलूमियत और कितनी ही मेरे लिए मुसीबत का वक्त क्यों ना हो, लेकिन जैसे आपके ऊपर मुसीबत आएगी वैसी मुसीबत किसी पर नहीं आएगी, है ना मुसीबत। आगे रिवायत बढ़ती है, यज़दलिफु इलैका सलासूना अल्फ रजुलिन, कि आपके मुकाबले के 30,000 लोग जमा होंगे, वयदउना अन्नहुम मिन उम्मती जद्दिना रसूलल्लाह, और उन सब का दावा यह होगा कि वो रसूल अल्लाह की उम्मत में से हैं, वयंतहिलूना इला इस्लाम, और वो अपने आप का इंतसाब किससे करते होंगे, किस मजहब और दीन से अपने आप का इंतसाब करते होंगे, इस्लाम से करते होंगे। फिर रिवायत में मसाइब बताते हैं, फयजतमेउना, ये सब के सब जमा होंगे किस चीज पर, आपके कत्ल पे और आपका खून बहाने पे जमा होंगे, व इंतहा की हुर्मत, और आपके घर वालों की हुर्मत को पामाल करने के लिए, व सभी जरारी का व निसाई, और वो क्या करेंगे कि आपके घर वालों को वो कैदी बनाएंगे और कैदी बनाने के साथ आपके जो बच्चे होंगे और जो आपकी खवातीन होंगी उनको बांधी और उनको गुलाम बनाया जाए, वह इंतहा भी फिकलिक, और आपके माल को लूटा जाएगा। अब पूरे पूरे मसाइब बयान कर रहे हैं, मैं अभी उस तर्ज में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पूरे मसाइब बयान कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें बयान करते हैं तो कहते हैं फ तहल्लू कि एक ऐसा वक्त आएगा बे बनी उमैया लाना, कि बनी उमैया पर लानत उस वक्त बिल्कुल हतमी हो जाएगी, हतमी लानत हो जाएगी। और फिर रिवायत के आखिरी जुमले आते हैं और कहते हैं कि ए अबा अब्दुल्ला, आप पर कुर्रे अर्ज की तमाम मखलूकात रोएंगी, हत्तल वुहूश फिल फलवात वल हैतान फिल बहर,
यहाँ तक के जो वहशी जानवर होंगे जो जंगलों में रहते होंगे वो भी आप पर गिरिया करेगा, और जो जितनी भी मखलूकात होंगी जो पानी में रहती होंगी वो भी आप पर गिरिया करेगा। मोहब्बत देख रहे शहादत से मुतसर है इमाम हसन अभी, लेकिन अपनी सारी मोहब्बतों को अपनी सारी तवज्जो को अब अब्दुल्ला की तरफ कर दिया। मोहब्बत है कितनी अजीम मोहब्बत है। दूसरी रवायत है, दूसरी रवायत को नकल किया जाता है, कहते हैं या हुसैन फइन्नी उसीका बिमन खल्फ्तु मिन अहली व वल्दी व अहले बैते, कि ए अब्दुल्ला ए मेरे भाई ए मेरे ब्रदर हुसैनी ए माचाय, मैं एक वसीयत करता हूँ आपको, और ये वसीयत है मेरे बच्चों के हवाले से, मेरे घर वालों के हवाले से और आपके घर वालों के हवाले से। अब ये वसीयत देखिए, और इस पर इन सब वसीयतों पर हमें अमल करना है, यानी बताना हमारे लिए था लेकिन अल्फाज सैयदुश्शुहदा की तरफ मुल्तफित थे। मैं वाकईतन आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, अन तस्फहु अन मसीहिहिम, कि ए अब्दुल्ला अगर ये गलती करें कोई गुनाह करें तो आप चश्मपोशी से काम लीजिएगा, आप दरगुजर से काम लीजिएगा। वह अंतुक बिला में मुहसिनी है, और हाँ अगर ये कोई अच्छाई करें तो फौरन आप उसको बिल्कुल इकबाल से नेक नियति से उसको कबूल कीजिएगा अपनी जानिब से, यानी कोई अच्छा काम करें, ऐ मेरे सुनने वालों मेरे घर वालों मैं भी घर चलाता हूँ आप सब घर चलाते हैं, एक रूल जहन में रखें, गलती अगर किसी से हो तो दरगुजर करना सीखें, और कोई अच्छाई करे तो उसका इकबाल करना और उसको अप्रिशिएट करना सीखें। मैसेज है इमाम हसन का, ये पैगाम है इमाम हसन का जो इमाम हुसैन को देते हैं, और वो पैगाम हम सब के लिए है। फिर एक जुमला कहते हैं वह अन तकूना वालिदिन व खल्फन, और अब अब्दुल्ला मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ दो चीज़ों पर इक्तफा करें, बल्कि आप उनके लिए एक बेहतरीन मेरी तरफ से नुमाइंदा हों और आप उनके लिए एक वालिद की मानिंद हों। यानी चचाओं को कहा जा रहा है कि अगर है चचा अगर तुम्हारा बड़ा भाई या छोटा भाई चला जाए तो तुम्हारे भतीजे भतीजे नहीं है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, उनको बिल्कुल इस तरीके से ला ताल्लुक मत करना, बेताल्लुक मत करना, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करना कि वो अपने आप को सौतेला समझे, बल्कि उनकी और खिदमत करना। क्यों? क्योंकि हुसैन को पैगाम दिया गया है हसन की जानिब से कि इकबाल करना सीखना, वाज़े है आप लोग के लिए। फिर एक वसीयत करते हैं, अजीब वसीयत है, और देखो मुझे दफनाना है मेरे भैया हुसैन मेरे जद रसूलुल्लाह के साथ मुझे दफनाना। फिर उसी वक्त कहते हैं कि हाँ हाँ वहां पर कुछ ऐसे लोग भी दफन हैं जो रसूलुल्लाह की इजाजत के बगैर घुस बैठिए हैं, जो वहां पर आ गए घुस बैठिए। क्यों? क्योंकि वह आयत से इस्तदलाल करते हैं, कहते हैं कि आयत कुरान या अय्युहल्लज़ीन आमनु لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم, कि अहल ईमान वालों रसूल अल्लाह के घरों में मत दाखिल हो मगर ये कि तुम्हें इजाजत मिले। तवज्जो है, इमाम हसन फिर एक सकील जुमला कहते हैं जो रसूल के बराबर में जो दो लोग दफन हैं, ना उनको जिंदगी में आने की इजाजत मिली रसूल के पास, ना उनको मौत के बाद आने के बाद इजाजत मिली है। जब भी आपसे कोई कहता है कि देखो इतनी फजीलत वाले हैं रसूल के बराबर में दफन है, तो जवाब में कहिएगा किसकी इजाजत से दफन है, किसका घर है वो? रसूल का घर था ना। आप कहते हैं कि रसूल के बाद उनकी सारी जायदाद सदका है, ऐसा ही है, रसूल के बाद सारी जायदाद क्या कहते हैं? सदका है। जब सदका है तो सदका जो है वो गनी लोगों पर हराम है, सिर्फ और सिर्फ फकीरों के लिए है। या तो आप ये कहें कि आपके दोनों खुलफा फकीर थे, वाज़े है आप लोग के लिए, या ये कहें कि दोनों खुलफा फकीर थे, या अगर गनी थे तो जान लीजिए कि वो सब के सब गासिब हैं। जब ही घुस बैठिए हो गए इमाम हसन का सद्दाल है, मेरा सद्दाल नहीं है, मैं वल्लाह लज़ीम कह रहा हूं कि इमाम हसन का सद्दाल है। अब आइए आप रिवायत में पढ़ के सुना सकता हूँ आपके सामने पूरी। चुनाचे कहते हैं कि हाँ हाँ ऐ मेरे भैया हुसैन, अगर ऐसा मरहला आए कि कोई एक खातून है, वल्ला ये मैं मिंबर के बिल्कुल तकद्दस को जहन में रखते हुए रवायत पढ़ा हूँ, अगर कोई खातून आए और वो ज़बरदस्ती मेरे जनाजे को रोके तो उनके सामने तुम ये बात करना कि ये रसूलल्लाह के नवासे हैं, ये रसूलल्लाह के रिश्तेदार हैं, इनका हक तमाम लोगों से ज़्यादा है कि रसूलल्लाह के बराबर में दफा, मज़लूमियत देखें। और कहते हैं कि खबरदार कोई खून मत बहाना है अब अब्दुल्ला,
चाहे कोई भी कितना ही किस शर्त पसंदी पर आ जाए, अहबाब दिल आपको खून नहीं बनाना है, बहाना है। मैं सबका सब इंतकाम और सबसे मुकाबला और झगड़ा कयामत के दिन अपने नबी की बारगाह में पेश करूंगा। यानी अब आप देख लीजिए, दुश्मन अहले बैत के लिए कभी सॉफ्ट कॉर्नर मत आने दीजिएगा। मैं बार बार ये मेंबर से एक पैगाम है, अगर कोई पैगाम भी आप ना लें मेंबर से, सिर्फ एक पैगाम लेके चले जाएं कि जो दुश्मनाने जहरा है और जो दुश्मनाने अमीरुल मोमिनीन है, कभी भी किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना आए हमारे लिए, कभी भी किसी के लिए नहीं आए, चाहे वो इत्तेहाद के नाम पर हो चाहे वो किसी के नाम पर हो। सारी चीजें जरूरी है, लेकिन अकीदे के बारे में कोई भी जो है वो समझौता नहीं किया जा सकता। मैं सबसे गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ क्योंकि पीछे आएंगे लोग और आप सबको जहमत होगी। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अय्याम आज़ा की तारीखें हैं, सब जो है वो इस जिक्र को सुनने आ रहे हैं जो आले मोहम्मद का जिक्र है। आप सब थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने रिश्ता देख लिया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का कितना अमीक रिश्ता है एक दूसरे से, कितना गहरा रिश्ता है, कितना तकीक रिश्ता है। चुनाचे अब रिवायत के जुमले ये हैं कि जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद वही मरहला होता है कि जनाजे को लाया जाता है और एक खातून खच्चर पर आ जाती है, खच्चर पर आती हैं, तीरों को चलाती हैं। इब्न अब्बास उस वक्त एक जुमला कहते हैं और कहते हैं कि कभी आप जो है वो ऊंट पर आती हैं, कभी आप खच्चर पर आती हैं, वो दिन बईद नहीं कि किसी दिन जो है आप हाथी पर भी आ जाए। क्या हुक्म दिया गया था? वकरना फी बुयूतिकुम, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घरों में रहना, घरों से बाहर मत निकलना। तुम्हारे लिए काम नहीं है कि तुम जाके इस्लाह करवाती फिरो, तुम्हारे लिए काम नहीं है कि तुम सियासत में पढ़ो, तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि तुम घर में रहा करो। लेकिन ये अजीब तारीख इस्लाम ने देखा कि जिसने जो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ आया सबके आगे उन्हें एक डिग्री लगा दी, इश्तेहादी खता, सबके आगे इश्तेहादी खता है, लेकिन जो इनके खुलफा के मुकाबले में आया वो मुर्तद कहलाया, चाहे वो इतना बड़ा सहाबी क्यों ना हो। वाजह है आप लोग के लिए, कुछ हकायक ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं सुनने के लिए, लेकिन सुनने के लिए आदत डालें, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो साबित शुदा हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उड़ी हुई है, किताबों में मौजूद है। बहरहाल आते हैं जल्दी से इमाम हसन अलैहि सल्लतु व सलाम की औलाद की जाने, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज जो है बस मेरे पास जो है वो वक्त कम है, तेजी से सबसे पहले इमाम हसन की सबसे बड़ी औलाद की जाने बातें हैं, जिनका नाम है हसन मुसन्ना। नाम हसन है, कहा जाते था मुसन्ना, वाजह है आप लोग के लिए, मुसन्ना यानी दूसरे हसन। इसी तरीके से इनके एक और बेटे थे, उनका नाम भी हसन था, उनको कहा जाता था हसन मुसल्लस, तीसरे हसन। चुनाचे नाम हसन इतना प्यारा है कि सबने अपनी नस्लों में हसन रखते गए, रखते गए, रखते गए। नाम हसन की खूबसूरती इतनी ज्यादा है। हसन मुसन्ना ये वो अजीम शख्सियत है जो हजरत फातिमा बिनते हुसैन के शौहर नामदार थे। नहीं, रिवायत के जुमले ये हैं कि एक दफा सैयदुश शुहदा के पास आते हैं रिश्ता लेने, एहतराम इतना ज्यादा है कि अपना मुंह खोल नहीं पा रहे और बता नहीं पा रहे कि मुझे फातिमा के लिए रिश्ता लेना, खामोश खड़े हुए हैं। सैयदुश शुहदा कहते हैं या बुनैया, अच्छा अल्फाज को भी दे दें या बुनैया, कह सकते थे इबनी, मैंने पहले भी एक नुक्ता बयान किया है, इबनी मेरे बच्चे इधर आओ, या बुनैया, ऐ मेरे दुलारे बच्चे मेरे पास आओ। सैयदुश शुहदा का आप तरीका देख रहे हैं, मेरे बच्चों से भी खिताब कितनी मोहब्बत की जबान से, या बुनैया, ऐ मेरे छोटे बच्चे, ऐ मेरे दुलारे बच्चे, इख्तर अय्युहुमा अहब्बु हुमा इलैक, जो तुम्हें सबसे ज्यादा इनमें से बेहतर लगे मेरी बेटी तुम उसको इख्तियार कर लो। सैयदुश शुहदा जानते हैं कि जनाबे फातिमा के लिए रिश्ता आया है, लेकिन गुफ्तगु को शुरू करना है। रिवायत के जुमले ये हैं, हजरत हसन मुसन्ना खामोश रहते, हिम्मत नहीं हो रही हुज्जत खुदा के सामने कलाम करें, हिम्मत नहीं हो रही कि अपनी आवाज को भी बुलंद कर सके हुज्जत खुदा के आगे। ये एहतराम अहले बैत का घराना सिखाता है, और एक एहतराम उस वक्त था कि जब रसूल अल्लाह कलम व किरदास मांगते हैं और कहा जाता है कि इन्नर रजुल यहजु, तो ये रसूल अल्लाह बहकी बहकी बातें करते हैं। तो आप देखिए दो मकतब है ना, एक मकतब आपको इज्जत रसूल सिखा रहा है, एहतराम रसूल सिखाता है, एहतराम हुज्जत खुदा सिखाता है,
दूसरा कहता है कि रसूल को अपना जैसा समझो और उससे जैसे दिल चाहे वैसे बात करो। वाजे है आप लोग के लिए। फिर कहते हैं कि इन्नी कद अख्तरतु लका इब्नती फातिमा, कि मैं तुम्हारे लिए ऐ हसन मुसन्ना मैं अपनी बेटी फातिमा तुम्हारे लिए इंतखाब करता हूँ। फिर वजह बताते हैं, कहते हैं क्योंकि वो मेरी मादरे गिरामी जनाब फातिमा तो जहरा से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखती थी। चुनाचे दोनों की शादी होती है और दोनों में मोहब्बत अजीम थी। रिवायत के जुमले ये है कि जब हजरत हसन मुसन्ना का इंतकाल होता है तो जनाब फातिमा बिनत हुसैन अपना खैमा वहीं लगा देती हैं और पूरे दिन और रात वहीं रहा करती थी जहां उनके शोहर नामदार की कब्र थी। ये मोहब्बत का आलम है एक दूसरे से, वाकईतन पाकीज़ा मोहब्बत है। ये हर शोहर और बीवी के लिए पैगाम है अहले बैत के घराने से कि वाकईतन मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ऐसी हो जो जैसे इमाम हसन और इमाम हुसैन के दोनों बच्चों में थी। बहरहाल बात आगे बढ़ती है। हजरत हसन मुसन्ना अजीम शख्सियत है और हजरत हसन मुसन्ना की वालदा कौन है? इनकी वालदा का नाम है खौला बिनते मंजूर फजारिया। बात है, बात वाजह है, थोड़ा सा मैं अब वजह बता रहा हूँ कि नाम इनकी वालदा का क्यों बताया है। इनके एक मामू थे जो फौज अशकिया की तरफ से लड़ रहे थे या लड़ रहा था, उसका नाम था असमा बिन खारिजा अल फजारिया। तवज्जो, मामू लड़ रहा था किसकी जानिब से? यानी रिश्ते का मामू लगता था, सगा मामू नहीं, रिश्ते का मामू है जो फौज अशकिया की तरफ से लड़ रहा है, वही हम कबीला है। वालदा जो है वो लाजिम बात है वो भी बनू फजारा की है। अब रिवायत के जुमले ये हैं, हजरत हसन मुसन्ना जंग करने जाते हैं करबला में और इतनी अजीम जंग करते हैं, जंग करते करते इतने जख्मी हो जाते हैं कि इनको गंज शहीदा में रख दिया जाता है। यानी इमाम हुसैन ने पूरा एक जगह बनाई हुई थी जहाँ वो शोहरा की लाशें को लाके रखा करते थे, वहाँ पे लाके इनको रख दिया। अब वो मसाइब में आप सुनेंगे और आज भी सुनेंगे कि जब फौज अशकी आती है और एक एक शहीद के सर को कलम किया जाता है, चुनाचे जब इनके पास आती हैं तो इनमें अभी भी रमक हयात और जान बाकी होती है, शोर हो जाता है कि ये बंदा जिंदा है, हसन मुसन्ना जिंदा है अभी तक। चुनाचे रिवायत के जुमले ये हैं कि उनके मामू अब असमा बिन खारजा ये इब्न ज़ियाद के बड़े अच्छे साथियों में से थे। अच्छे मैं इनको अच्छा नहीं समझता, मलऊन शख्स था ये, क्यों? क्योंकि अबा अब्दुल्ला के खिलाफ था, लेकिन वहाँ पे इनको अपनी रिश्तेदारी इनकी जो रगे हमियत है वो जान जाती है। वो कहते हैं खुदा की कसम कोई हसन मुसन्ना को हाथ भी नहीं लगा सकता, और वो पूरे जो बनू फजारा के लोग होते हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चनाचे उमर बिन साद कहता है दऊहू ले अबी हसन इब्न उख्ती, के इस अबू हसन यानी असमा बिन खारिजा के लिए इसके भांजे को छोड़ दो, इसके भांजे की जान हम बख्शते हैं। चुनाचे रिवायत के जुमले ये हैं, ये असमा बिन खारिजा हजरत हसन मुसन्ना को अलग से कूफे लेके जाते हैं, कूफे में इनकी मरहम पट्टी होती है, ये बिल्कुल जो है इनको सेहत आती है और उसके बाद ये डायरेक्टली मदीना चले जाते हैं। उन्होंने अहले बैत के साथ शाम का सफ़र नहीं किया है, इन्होंने अहले बैत के साथ कूफे की मंजिलों को नहीं देखा है, इनकी मरहम पट्टी होती है, इसके बाद ये मदीने चले जाते हैं। बाद में जब काफिला आता है मदीने तो इनकी बीवी इनसे मुल्हिक हो जाती है। वाजह है आप लोग की तवज्जो, ये शायद नहीं मालूम आता हो आपके लिए, ये उन लोगों में से है जिनकी जान बच जाती है, जिनकी जान की बचत होती है, खुदा का कुछ करना ऐसा होता है कि इनकी जान बच जाती है। और यही हजरत हसन मुसन्ना है जिनके बेटे थे हसन मुसल्लस, जिनके एक और बेटे थे इब्राहिम, जिनके एक और बेटे थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुहिद, ये सब के सब जनाब फातिमा बिनते हुसैन और हजरत हसन मुसन्ना इन दोनों के तीन बेटे थे। जब तीनों बेटे को इस दर्जे के साथ जुल्म के साथ बनू अब्बास मारते हैं कि दोनों या तीनों ये सब के सब जिंदान में मार दिए जाते हैं। 145 हिजरी का वाकया है कि इनको हाशमिया नामी एक जगह है, हाशमिया नामी जगह में इनको कैद किया जाता है और कैद करने के बाद ये वहीं पे इन सब का इंतकाल हो जाता है। इन्हीं के दो बेटे थे, अब आपने देखा हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के दो बेटे थे, एक का नाम था मोहम्मद, एक का नाम था इब्राहिम। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है वो पहले कयाम करते हैं बनू अब्बास के खिलाफ, इनको क्या क्या कहा जाता है तारीखी किताबों में? नफ्स-ए-ज़किया का कयाम है ना जो बनू हसन ने किया। एक और कयाम करते हैं बसरा से, ये कौन है? ये है इब्राहिम बिन अब्दुल्ला। और तमाम के तमाम आज जो हसनी सादात आज भी मौजूद हैं वो सारे के सारे इन्हीं अब्दुल्ला की नस्ल से हैं, हजरत हसन मुसन्ना की नस्ल से हैं। चुनाचे रिवायत आपने देखा होगा कि तबा तबाई कुछ सादात है,
यहाँ पे भी एक तबातबाई है, खलील तबातबाई और भी दीगर है तबातबाई, ये सारे के सारे हसनी सादात हैं। इन सब की नस्लें कहाँ से जाके मिलती हैं? हसन मुसन्ना से जाके मिलती हैं। हत्ता जो अब्दुल्ला शाहगाजी हैं हमारे कराची वाले, अब्दुल्ला शाहगाजी की नस्ल भी हजरत अब्दुल्ला से जाके मिलती है। मुझे आज किसी ने गुजारिश की थी कि कभी आप अब्दुल्ला शाहगाजी के बारे में बताएगा, थोड़ी सी मालूम है हजरत अब्दुल्ला शाहगाजी का शजरे नसब जाके जो है अपने अबाउ अजदाद अब्दुल्ला से मिलता है। अब्दुल्ला किसके बेटे हैं? हसन मुसन्ना के बेटे हैं। हसन मुसन्ना किसके बेटे हैं? इमाम हसन के बेटे हैं। वाजह है आप लोग के लिए। एक हजरत हसन मुसन्ना थे जिन्होंने जन्म लिया। दूसरी शख्सियत कौन है? ये है अब्दुल्ला अल अकबर। अच्छा, जनाब रमला जिनको हमारे यहाँ जनाब उम्मे फरवा कहा जाता है, रिवायत के जुमले ये है कि इनके तीन बेटे थे, तीनों के तीनों करबला में शहीद हो जाते हैं। तीन बेटे थे, एक थे जनाब कासिम, एक थे अब्दुल्ला अल अकबर, एक थे अब्दुल्ला अल असगर। थोड़ी सी तकलीफ बहस है, मैं चाहूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से हमारे यहाँ नाम है अली, एक को अली अकबर कहा जाता है, वजह है एक को अली असगर कहा जाता है, दोनों अली थे। इसी तरीके से दोनों अब्दुल्ला थे, एक को अब्दुल्ला अल अकबर कहा जाता था बड़े अब्दुल्ला, एक को अब्दुल्ला अल असगर कहा जाता था छोटे अब्दुल्ला। वाज़ह है आप लोग के लिए। अब रिवायत के जुमले ये हैं कि ये वो अजीम शहीद हैं कि जब ये जंग करने जाते हैं तो इनका एक बहुत ही प्यारा इनका कलाम होता है, कहते हैं कि इन तुम थुरूनी, कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानते, तवज्जो रखिएगा, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते, फाना इब्न हैदरा, तो ये जान लो कि मैं हैदर कर्रार का पोता हूं। ज़रगाम व आजाम व लैस कसरा, और देखो तुम मुझे बिल्कुल नॉर्मल बंदा मत समझो, बल्कि मैं वो बिफरा हुआ शेर हूं जो चबा जाता है लोगों को, दुश्मनों को चबा जाता है। और फिर कहते हैं अलल आदा मिस्लु रीहिन सरसर, और मेरी मिसाल उस हवा की तरह है, उस आंधी की तरह है जो जब अपने दुश्मनों पर चलती है तो दुश्मन हलाक हो जाते हैं। आखिरी जुमला बड़ा अजीब है, कहते हैं के संदर, और तुम मुझे एक तलवार तो मार के देखो, इसके बदले मैं तुम्हें हजारों तलवारें मारूंगा। यानी जो अबा अब्दुल्ला से मोहब्बत है, सैयदुल शुहदा से मोहब्बत है, इसको जहन में रखिएगा इस जुमले को। अब बिल्कुल इनका लहजा वही लहजा है जो अमीरुल मोमिनीन का था। चुनाचे जब मरहब मुकाबला करने आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम में जाके पढ़िएगा क्या कहता है, कद अलिमत खैबर, खैबर जानता है, अन्नी मरहबुन, मैं मरहब हूँ, शाकी सलाह बतलुल मुजर्रब, कि मैं वो शख्स हूँ जो तमाम का तमाम असलहे से पुर है और बहुत ही एक अजीम शहसवार है। जब वो अपने कलेमे को कहते हुए आ रहा होता है तो एक और शख्सियत यहाँ से निकलती है और वो कहती है कि अना अल्लदी समितली उम्मी हैदरा, कि मैं वो शख्स हूँ जिसने मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और मैं कौन हूँ, कलैति गाबातिन करीहिल मंजरा, और मैं इतना खतरनाक किस्म का शहसवार हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। उफीकुम बिसाई कैलसंदरा, बिल्कुल वही मिजाज है जो पोते का मिजाज है, कि देखो जब मुझे एक दफा कोई हमला करता है तो उसके जवाब में हजार दफा जवाब देता हूँ। अजीम शख्सियत है, अजीम शख्सियत है, शहीद होते हैं। ज़ियारत नाहिया जाए, लिखा हुआ है कि कैसे शहीद होते हैं, तीर आता है, तीर के जरिए शहीद होते हैं। मारने वाले का नाम है अब्दुल्ला बिन उकबा अल गनवी, पहले हो गए एक हजरत मुसन्ना, दो हो गए। तीसरी शख्सियत है जिनका नाम है अमर, अमर बिन हसन, ये इनकी शख्सियत का नाम है। 12 साल के थे और 12 साल की वजह से लड़ने नहीं गए थे तो इनको अश्किया ने मारा नहीं, लेकिन इतने ईमान से पुर थे कि वाकया ये है कि जब दमिश्क में काफिला जाता है और यजीद की हमरकाबी में है, यजीद के सामने है, तो एक दफ़ा यजीद इमाम जैनुलाब्दीन को बुलाता है और इमाम जैनुलाब्दीन अपने साथ इस छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं। चुनाचे जब यजीद उस छोटे बच्चे को देखता है तो कहता है कि मेरे बच्चे खालिद से कुश्ती करना है। कुश्ती क्या होती है? रेसलिंग। रेसलिंग आपको मालूम, बच्चे लड़ते हैं, बचपने में देखा करते थे हम लोग भी, शुक्र है अब नहीं देखते लेकिन बचपने में अभी भी देखते हैं। तो रेसलिंग जो है मेरे बच्चे बेटे से करनी। बेटा क्या था? बेटे का नाम है खालिद। जब भी यजीद की कुनियत अबू खालिद थी,
एक थोड़ी सी मालूमात मेरे के लिए, यजीद की कुनियत अबू खालिद थी, खालिद से बहुत मोहब्बत करते थे, कह रहे हैं आ जाओ मेरे बच्चे से जंग करो, मेरे बच्चे से कुश्ती करो। वो कहता है यजीद कुश्ती तो मैं उस वक्त करूंगा कि एक छुरी तुम खालिद को दो, एक छुरी तुम मुझे दो, फिर देखते हैं कि कौन बचता है और किसका काम तमाम होता है। रिवायत के जुमले ये हैं कि यजीद अपने बच्चे को जोर से जो है पकड़ता है और गले लगाता है और फिर एक जुमला अजीब कहता है, कहता है हल थले तो हैयतन हैयतन इल्ला हैया। अब मेरे अंदर सकत नहीं कि मैं इतनी उसने गुस्ताखी जो की है इमाम हसन की, मैं उसके बारे में कुछ कलाम कर सकूं। मतलब एक अजीब जुमला है, आप लोग कभी जाएगा इसका तर्जुमा खुद कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए तर्जुमा करना। इमाम हसन की बहुत शदीद गुस्ताखी करता है वो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बनू हाशिम कभी भी बनू मैया से मुआफ़िकत नहीं कर सकते थे, चाहे उनका बड़ा हो चाहे उनका छोटा हो। तो जो कहा जाता है ना कि सब भाई भाई थे, अगर भाई भाई होते तो तलवारें दे देते ना, कुश्ती सही वाली हो जाती, नहीं हुई कुश्ती, बचा लिया उसने अपने। तो बहरहाल ये वो शख्सियत थे जिनकी जान बच जाती है। एक और शख्सियत जिन्होंने शहादत के जाम को नोश फरमाया, और ये वाकई अजीम मुसीबत है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं उसको बेनवाने फ़ज़ाइल नकल करूँ या बेनवाने तारीख नकल करूँ, लेकिन एक मजबूरी है, तेज़ी से करना होगा क्योंकि कासिम बिन हसन पे जल्दी से आना है मुझे। अब्दुल्ला बिन हसन, ये अब्दुल्ला लश्कर कहलाते थे। रिवायत के जुमले ये हैं कि जब सईदुश्शुहदा बिल्कुल अकेले बच जाते हैं, अली असगर शहीद हो चुके हैं, अली अकबर शहीद हो चुके हैं, अब्बास शहीद हो चुके हैं, कासिम शहीद हो चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं, सईदुश्शुहदा अपनी आखिरी जंग लड़ रहे हैं, और आखिरी जंग लड़ते हुए देखते हैं कि खैमे से एक बच्चा भागते हुआ है, 11 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा यहाँ पे कौन होगा, छोटा सा बच्चा जो हम लोग क्या मातम करते हैं, 11 साल का बच्चा तेजी से भागते हुए आ रहा है। सईदुश्शुहदा वहीं से आवाज लगाते हैं बहन ज़ैनब को, कहते हैं अह अह बसीरी या उख्ती, ए मेरी बहन इस बच्चे को वापस जल्दी से ले जाओ। बच्चा एक अजीब जुमला कहता है, कहता है वल्लाहि ला उफारिकु अन्नी, खुदा की कसम मैं अपने चचा से जुदा कभी नहीं हो सकता। बच्चा भागते हुए आ रहा है, सईदुश्शुहदा कह रहे हैं मेरी बहन ज़ैनब इसको वापस ले जाओ, बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे चचा, मुझे आप ही के पास आना है। एक दफ़ा चचा के पास आता है, वहाँ पर एक मलबूम चाहता है कि सईदुश्शुहदा को ज़ोर से तलवार मारे। सईदुश्शुहदा बिल्कुल ज़मीन पर हैं अभी, यानी आप करबला के जो 10 मुहर्रम का मक्तल है, आप इंशाल्लाह मज़ीद तफ़सील सुनिएगा। सईदुश्शुहदा ज़मीन पर है, बच्चा आया है तेज़ी से भागते हुए, एक मलऊन आ रहा है ताकि वो ज़ोर से तलवार मार के सईदुश्शुहदा का काम तमाम करे। वहाँ पे छोटा बच्चा अब्दुल्ला खड़ा हो जाता है और कहता है यबनल खबीसा, ए बिसर खबीसा, अतख्तलु अन्नी, क्या तू चाहता है कि मेरे चचा को मारेगा। बस रिवायत के जुमले ये हैं कि वो शख्स इतनी ज़ोर से बच्चे के हाथ पे तलवार मारता है कि बच्चे का हाथ पूरा गिर जाता है, और वहाँ पे वो आवाज़ लगाता है या उम्मार, ए मेरी मादरे गिरामी मेरी खबर लीजिए, ए मादरे गिरामी मेरी खबर लीजिए। रिवायत के जुमले ये हैं कि इमाम हुसैन बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ज़ोर से। बस वहीं पर रिवायत के जुमले ये हैं कि हुरमला आता है और एक तीर मारता है बच्चे को और बच्चा शहीद हो जाता है। अब आप देखना की वो जब कहा जाता है ना कि सईदुश्शुहदा के सबर को देख के मलाइका भी ताज्जुब करते थे कि ऐसा साबिर बंदा हमने कभी नहीं देखा, क्या वजह है, क्या सईदुश्शुहदा ने फकत अपनी जान दी थी, कभी शिशमाही की देते हैं, कभी अली अकबर की देते हैं, कभी अब्बास की देते हैं, और कभी अपने छोटे से बच्चे की देते हैं। अजीब मजलूमियत है, अजीब मजलूमियत है वाकई तनाबाद की। जाते हुए भी खुदा कितने इम्तिहान के मराहिल तय करवाना चाहता है। यानी अब अब्दुल्ला अपने भतीजों को भतीजा नहीं समझते थे, अपना बच्चा ही समझते थे अपने भतीजों को, अपने भांजों को भांजा नहीं समझा करते थे। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम और आप इतनी मोहब्बत करते हैं अपने भतीजों और भांजों से, तो अब अब्दुल्ला कितनी करते हैं। वो इमाम है, उनके दिल में जो खुदा ने दिल दिया है वो कितना रहीम है, कितना एक दूसरे पर रहमत करने वाला है। चुनांचे ये मजलूमियत भी गुजरती है, और इसी तरीके से एक और शहजादा है जिसका आज तज़किरा किया जाएगा, कासिम बिन हसन। हज़रत कासिम की ज़ात कौन सी ज़ात है, अज़ीम शख्सियत है,
अजीम शख्सियत, यानी अब मैं मकातिल के हवाले नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे मकातिल में बहुत सारी रवायात को जमा करके आपके सामने पेश करा। मुजमुअल मसाइब हो गए, रवायात अज़ा हो गई, इसी तरीके से रारो शहादात हो गई, सारी बहुत सारी मकातिल की किताब हैं, मकाम शहादत पढ़ते हुए हवाले नहीं दे पाते। चुनाचा जो भी बातें होंगी इन्हीं मकातिल की रोशनी होंगी। रिवायत के जुमले ये हैं कि जब इमाम हसन की शहादत करीब होती है तो अपने एक बच्चे को बुलाते हैं और उस बच्चे को अपने सीने पे बिठाते हैं। सीने पे बिठाने के बाद इमाम भी बहुत जोर और जारो कतार गिरिया करने लगते हैं, बच्चा भी चीख चीख कर रोने लगता है। कहते हैं मैं इस बच्चे को क्या नसीहत करूं, 3 या 4 साल का बच्चा है, मैं इस बच्चे के लिए एक तहरीर लिख के जा रहा हूँ और ये बच्चा तहरीर जब सबसे मुश्किल वक्त में हो ना उम्मे फरवा, तो बच्चे से कहना कि इस तहरीर को खोल ले, इस तहरीर में जो लिखा होगा उसको मुश्किल हल हो जाएगा। सब जानते ना कि तहरीर में क्या लिखा हुआ था कि ऐ कासिम जब तुम इस तहरीर को खोलोगे तो तुम उस वक्त करबला के मैदान में अपने आप को पाओगे और ऐसे मैदान कारजार में पाओगे कि तुम्हारे चचा अकेला होगा। बेटा अगर मेरी नुमाइंदगी में तुम शहादत दे सकते हो तो मेरी नुमाइंदगी में, यानी इमाम हसन पहले ही से अपने हदीय का इंतजाम करके गए, किसी और बच्चे का इंतखाब नहीं किया, किसी और का कर सकते थे लेकिन इंतखाब किया है तो कासिम का इंतखाब किया। कासिम से बहुत मोहब्बत इमाम हसन को और अजीब मोहब्बत अब अब्दुल्ला को थी, अजीब मोहब्बत है अब अब्दुल्ला को। चल आहिस्ता आहिस्ता मैं सर पढ़ूंगा, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा मैं तारीख बताता चलूँ। अब अब्दुल्ला जब भी कासिम को देखा करते थे तो कहा करते थे हाज़ी वदीअतु अखी, ये मेरे भाई की अमानत है, भाई की अमानत कह के कासिम को बुलाया करते थे। और कासिम की मोहब्बत जानते हैं कैसी है, कासिम की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि जब शहादत के लिए निकल रहे थे कासिम तो सिर्फ एक शहीद के लिए मिलता है कि वो बार बार अपने चचा के कभी हाथों को चूमता, कभी पाँव को चूमता, कभी हाथों के बोसे लेता, कभी पांव के बोसे लेता। और जब एक दफा जाते हैं तो ऐसी जमा मर्दी से जंग करते हैं और ऐसी जंग करते हैं कि सबको शुजाते हाशमिया नजर आती है। अर्जा के शामी, आपने वाक्य सुना होगा अर्जा के शामी, उससे मुकाबला होता है 1000 शहसवारों के बराबर एक पहलवान था अर्जा के शामी। कहा जाता है कि कासिम के मुकाबले के लिए जाओ, कहता है कासिम के मुकाबले में मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे जाएंगे। एक बच्चे को फिनार करते हैं, दूसरे को करते हैं, तीसरे को करते हैं, बाद रिवायतों में 4, बाद रिवायतों में 7 बच्चों को फिनार करते हैं। अब थक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वापस खैमा जाना चाहते हैं, एकदम से अर्जख शामी अपने पूरे जाबो जलाल गजब के साथ कासिम पे हमला करते हैं। बस एक दफा हमला करता है, एक ऐसा वार कासिम लगाते हैं कि उसकी खोपड़ी दोशक हो जाती है। कासिम की जंग बहुत अजीम जंग थी, मामूली जंग कासिम ने नहीं की है। कासिम लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं और अजीब है, एक दफा पिसरे साथ से मुकालिमा करते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं या अमल कल, ऐ वो शख्स जिसका दिल अंधा हो चुका है, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं, क्या तुझे इतना भी खौफ नहीं है कि तू रसूल अल्लाह ही का थोड़ा ख्याल कर ले, क्या तुझे वाकईतन ये नहीं मालूम कि खुदा तुझे देख रहा है, तबलीग कर रहे हैं उमर बिन साद। वो कहता है कि तुम क्या यजीद की बैत अगर कर लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाए। अभी बच्चा कहता है खुदा तुझे गारत करे, तुम मुझे कहता है मैं यजीद की बैत करूं। बस एक दफा मुकालिमा चलता है और मुकालिमा में कहते हैं तू कैसा मुसलमान कहलाने वाला है कि रसूल के घर वाले प्यासे बैठे हुए हों और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो प्यास की वजह से। गुफ्तगू चल रही है, मोहब्बत का इजहार चल रहा है। कासिम की जंग को बहुत कम पढ़ा जाता है क्योंकि मसाइब की नजर हो जाती है। मैंने चाहा थोड़ा सा कासिम की जंग के बारे में पढ़ा जाए, कासिम ने कैसी जंग की है, अपने अल्फाज से भी जंग की है, अपनी तलवार से भी जंग की है और अपने इखलास से भी जंग की है। बस अज़ादारों, दिल ये कहता है कि शबे आशूर माँ बैठी होगी और माँ कहती होगी ए कासिम तू हमारी नुमाइंदगी करेगा, अपने बाबा की भी नुमाइंदगी करेगा, ए कासिम कुछ भी हो जाए
तो अपनी जान दे दियो लेकिन हुसैन बिन अली पर एक आंच भी ना आने दीजिए। शायद माँ के कलाम को सुनते हो, जब भी रिवायत के जुमले हैं, जब शोहदा के नाम बताए जा रहे होते हैं, कासिम बार बार घुमक के अपने आप का चेहरा दिखाना चाहते हैं, अब अब्दुल्ला मैं भी मौजूद हूँ, अब अब्दुल्ला मैं भी मौजूद हूँ। एक एक शहीद का नाम बताया जाता है, कासिम का नाम नहीं बताया जाता। कासिम कहते हैं कि अरे मेरे चचा जान, क्या मेरे लिए भी शहादत है? कहते हैं या बुनैया कैफल मौत इंदक, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तेरे नजदीक मौत कैसी है? कासिम कहते हैं हल्ला मिन असल फीका, ऐ अब्दुल्ला अगर आपकी मोहब्बत में जाए तो शहद से ज्यादा शीरी, शहद से ज्यादा शीरी है। कहते हैं फिक्र ना करो कासिम, तुम्हारा नाम भी शोहदा में है और तुम्हारे छोटे भाई अली असगर भी शहीद होगा। बस रिवायत के जुमले ये हैं अज़ादारों, जो खुतबा पढ़ते हैं कि कासिम बार बार आके इजाजत लेना चाह रहे हैं, बार बार इमाम हुसैन मना करते हैं और वही बात बोलते हैं, ऐ मेरे बच्चे तू मेरे भाई की अमानत है, मैं किस तरीके से तुझे जाने दे सकता हूँ, बार बार आ रहे हैं। कासिम की उम्र ज्यादा नहीं थी, बचपन में थे कासिम, आके मोहब्बत से प्यार करते होंगे, अपने चचा के कभी हाथों को चूमते होंगे, ऐ चचा जान इजाजत आप दे दीजिए, सब जा रहे हैं आप हमें इजाजत नहीं दे रहे, सब की शहादत लिखी है आप हमें इजाजत क्यों नहीं दे रहे। बस रिवायतों के जुमले ये हैं कि एक दफा सईदुल शहदा आवाज बुलंद करते हैं, वाह गुरबत हैरे हमारी गुरबत, वाह किल्लत नासिरा हैरे हमारे कम मददगार, हल में नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद को हार सके। बस अज़ादारों उस वक्त फिर कासिम आते हैं, लेकिन अब कासिम को एहसास हो गया है कि अब इस तरीके से नहीं आएंगे, बल्कि एक दफा बाबा की वसीयत याद आती है कि ऐ कासिम अगर तू सबसे मुश्किल वक्त में जा पड़े तो तेरे पास जो तावीज हो उसको खोल के देख लियो कि उसमें क्या लिखा है। बस एक दफा तावीज को खोला जाता है, तावीज में लिखा होता है कि ऐ कासिम तू इस तावीज को उस दिन खोलेगा जब तेरा चचा नरगए आदा में घिर चुका होगा, जाके इस तावीज को अपने चचा को जरूर दीजियो। बस रिवायत के जुमले ये हैं कि अब कासिम जाते हैं, बड़ी खुशी से जा रहे हैं कि परनामे शहादत मिल चुका है, जाकर देते हैं ऐ चचा, ऐ चचा बाबा की तहरीर सुनाइए, बाबा की तहरीर मुलायजा हो। रिवायत के जुमले ये हैं कि एक दफा हुसैन अपने भाई की तहरीर को देखते हैं, एक दफा गिरिया शुरू कर देते हैं। बस एक ही शहीद ऐसा है जिससे हुसैन मिलकर इतना सारों कतार रोए हैं कि दोनों बेहोश हो जाते हैं, कासिम को अपने पास लेते हैं, एक दफा गले लगाते हैं, यहाँ हुसैन का गिरिया शुरू होता है, यहाँ कासिम का गिरिया शुरू होता है, दोनों भतीजे और चचा ऐसा गिरिया करते हैं, एक दफा हुसैन गिरते हैं, एक जगह कासिम गिरते हैं। मेरा दिल ये कहता होगा करबला में पानी तो ना था तो दोनों को वापस होश में कैसे लाए होंगे, दिल ये कहता है शायद ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने आंसुओं को बहाया होगा, आंसुओं को बहाया होगा ताकि चचा और भतीजे वापस आ सके। बस अज़ादारों अब कासिम को जंग करने के लिए भेजा जा रहा है, अजीब अंदाज है, इमाम हसन के अमामे को बुलाया जाता है, उसको पहनाया जाता है, एक दफा अमामे के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, अमामे को एक चेहरे पर रखा जाता है, एक सर पे रखा जाता है और एक कफन वाली सूरत हाल के तौर पे पहनाया जाता है। ये वाहिद शहीद है जिसको जब भेजा जा रहा था तो कफन पहना के, कफन पहना के भेजा गया था। बस एक दफा कासिम निकलते हैं, हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने एक छोटे बच्चे को आते हुए देखा, वो इतना खूबसूरत
मत था कि जैसे एक चांद का टुकड़ा हो, ये दुश्मन गवाही दे रहा है। हाय रे जालिमो, वो बच्चा जो तुम्हें चांद का टुकड़ा देखता था, जरा आके उम्मे फरवा के दिल से पूछो, जरा आके ज़ैनब के दिल से पूछो, जरा आके अब अब्दुल्ला के दिल से पूछो, कितनी मोहब्बत होगी कासिम से। बस कासिम जाते हैं, जंग लड़ते हैं, इतनी जवान मर्दी से जंग लड़ी जाती है कि वहां से ऐलान होता है, ऐ लोगों, शुजात आशमिया का आमिल है, चारों तरफ से हमला करो, बसदा करो। कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई बर्छी मारता है, जिसके हाथ में जो चीज आती है कासिम को मारा जाता है। बसदारों से सहमत तमाम हुई। इसी दौरान कासिम के उल्टे हाथ का तस्मिया टूट जाता है चप्पल का। एक दफा उसको सही करना चाहते हैं, एक मलून आता है, एक जोरदार कोट कासिम के सर पे मारता है। कासिम का सर दो शिकस्ता हो जाता है। बस अदादारों, एक जालिम आता है आपके बदने मुबारक पर एक नेजा मारता है। बस आखिरी हमला किया जाता है, कासिम को एक मलून इतनी जोर से नेजा मारता है कि नेजा पीछे से आता है और सीने से निकल जाता है। अब कासिम को सवाल नहीं रह पाते, एक दफा आवाज देते हैं, ऐ चाचा जान, हमारी खबर लीजिए, हमारी मदद को आइए। बस अदादारो, कासिम जो घोड़े के सीन से नीचे गिरे हैं। एक दफा हुसैन को जब ये आवाज पहुंचती है, हुसैन इतनी तेजी से हमला करते हैं, दुश्मन खौफ ज्यादा हो जाते हैं। अदादार हो, यही वो मरहला है, वो दूल्हा जो दूल्हा बना के भेजा गया था। अदादार हो, अपनी ही जिंदगी में एक वो भी लम्हा आता है कि सीधे हाथ के घोड़े उल्टी चाल, उल्टे हाथ के घोड़े सीधी चाल। कासिम अपने ही जिंदगी में बामहाल हो जाते हैं, बाया हाथ की पसलियां दाई जाल। बस अदादारों, एक दफा लाशा पामाल होता है, हुसैन इब्न अली आते हैं और रिवायत के जुमले ये हैं, पामाल शुदा लाशा सामने है, अपने मुंह को कासिम के मुंह पे डालते हैं, अपने जिगर को, अपने सीनों को कासिम के पामाल सीने पे डालते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे बच्चे, तू आवाज देता था जब जब पहुंच ना सके, हाय रे मजलूमियत। एक दफा खुतबा पढ़ते हैं, अपनी चादर को बिछाते हैं, चादर में वो तमाम फूलों को जमा करते हैं जो कासिम की लाश की सूरत में होते हैं। अब कासिम के लाशे को वापस लाया जा रहा है, वहां दुआ ही दी जाती है, कासिम का लाशा आ रहा है, यहाँ ज़ैनब आती है, यहाँ उम्मे कुलसूम आती है, यहाँ उम्मे फरवा आती है। वहा कासिम, वहा बना था, ऐ मेरे बच्चे कासिम, ऐ मेरे बच्चे कासिम, ऐ मेरे लगते जिगर, ये तेरे साथ क्या किया दुश्मनों ने। बस अदादारों, कासिम का लाशा आता है, माँ ने एक दफा लाशे को देखा होगा, एक दफा कहा होगा, ऐ कासिम, तेरी बारात आनी थी, तेरी बारात में फूल लाने थे, लेकिन कभी ये ना सोचा था तू मक्तल दूल्हा बन के जाएगा और तेरी लाश में हुसैन